गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर रचना चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है प्लाज्मिड एंड बैक्टर। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, बैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टर, टाइप्स ऑफ बैक्टर, प्लाज्मिड एज ए बैक्टर, कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड बैक्टर, यूजेज ऑफ प्लाज्मिड वैक्टर। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज को यदि हम एज ए वैक्टर यूज करते हो तो टाइप्स ऑफ वैक्टर्स, लैम्डा फेज, M13 फेज, मैकेनिज्म ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, हम जानते हैं कि जो बैक्टर्स होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वैक्टर्स का मतलब ही होता है कैरियर्स। तो जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वेक्टर होते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं या टारगेट जीन्स होते हैं उनको कैरी करने का काम करते हैं। ये हम इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड वेक्टर को और जो हमारा फॉरेन डीएनए होता है और जिसमें जो टारगेट साइट होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करते हैं। कट करने के बाद प्लाज्मिड वेक्टर में जो आपका फॉरेन डीएनए पार्टिकल या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इंसर्ट करते हैं और लाइगेशन के द्वारा उसको सील कर देते हैं। तो इस तरह से जो नया प्लाज्मिड बनता है हमारा वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर। हम देखेंगे वेक्टर। वेक्टर जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हों जो कि फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर्स भी इनको हम कहते हैं, इनको वेहिकल ऑफ डीएनए भी कहते हैं क्योंकि ये कैरी जीन्स क्लोन इनटू रेसिपिएंट सेल्स। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी में पाई जाती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स जो यूज किए जाते हैं वो है प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, फैजमिड। यदि मान लो कोई वेक्टर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो उसका साइज या जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो काफी स्मॉल होना चाहिए, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होने चाहिए जो कि उसको कट कर सके, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए होस्ट के लिए, और उसमें स्पेस होना चाहिए जिसमें कि फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट कर सकें, सुटेबल मार्कर जीन्स होना चाहिए और इम्यूनिक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स के वैक्टर्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। प्लाज्मिड वैक्टर जिसका एग्जाम्पल है PUC प्लाज्मिड या PBR322, बैक्टीरियोफेज वैक्टर जिसमें लैम्डा फेज M13 है, फैजमिड वैक्टर है, कॉस्मिड वैक्टर है, आर्टिफिशियल क्रोमोजोम वैक्टर या कैन वैक्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड जो होता है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है जोसुआ लेडरबर्ग ने 1952 में। प्लाज्मिड को ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए कहलाता है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और ये जनरली प्रोकैरियोट्स में और कुछ लोअर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है PSC1, PBR322 etc. इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए के अलावा जो प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट है। कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, हम जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं उनको हम कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग और प्रमोटिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं या कॉन्जुगेशन को प्रमोट करते हैं। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें एक प्रकार का ट्रांसफर जीन पाया जाता है जिसे हम ट्रा जीन्स कहते हैं। यही जो होता है कॉन्जुगेशन के समय ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं वो कॉन्जुगेशन
असिस्ट या उसके उस समय जीन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। फंक्शन के बेस पर हम प्लाज्मिड को फाइव डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड। फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड जो होता है उसमें ट्रांस जीन्स पाया जाता है और जो कॉन्जुगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिड को प्रमोट करता है, जिसका एग्जाम्पल है एफ प्लाज्मिड इन इकोलाई। दूसरा होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या जिसे हम आर प्लाज्मिड भी कहते हैं। आर प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल के लिए रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट होता है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरियल टॉक्सिन कोल्चिसिन के सिद्धांसिस को कोड करते हैं और ये प्रकार का प्रोटीन होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स को कोड करता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि टोलिन है, सैलिसिलिक एसिड है, उसको डिग्रेड करता है। नेक्स्ट है विरुलेंस प्लाज्मिड। ये पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका एग्जाम्पल है टीआई प्लाज्मिड। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी निम्न कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहला तो ये इसका साइज जो होता है 1 to 1000 किलो बेस पेयर का होता है। इसमें ओन इसका खुद का अपना रेप्लिके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूनिक रजिस्ट्रेशन साइट पाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है वो सेल में। इसका जो मॉलिकुलर वेट लो होता है और ये हाई कॉपी या मल्टीपल कॉपी नंबर्स में पाया जाता है। इनको हम इजिली आइसोलेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसलिए हम इसे एज ए वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड या बोल सकते हैं नेचुरल प्लाज्मिड से जो कंस्ट्रक्ट किया गया है उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा है PBR-322। PBR-320 जो होता है वो एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज किए जाने वाला वेक्टर है, जहां पर पी से प्लाज्मिड, बी फॉर बॉलीवर रोड्रिगेज और यहाँ पर 322 स्ट्रेन होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो PBR-322 पड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यूनिक रिकॉग्निशन साइट होता है फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर जैसे हमको दिख रहा है इको आर आई वन हिंड थ्री इको आर वी बी ए एम एच वन, ये सारे जो होते हैं यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। यूज ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर का यूज हम जीन एक्सप्रेशन में करते हैं जीन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि जो पहले प्रोडक्ट बनाया गया था बैक्टीरिया से वो था सोमेटोस्टेटिन। जीन एक्सप्रेशन यूजिंग पेट सिस्टम में करते हैं। दूसरा हम जीन क्लोनिंग में करते हैं एज ए वेक्टर। और थर्ड हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए करते हैं। दूसरा है बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और वहीं पर रेप्लिकेट करते हैं। यदि हम बैक्टीरियल बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं जिसमें कि बैक्टीरियोफेज को हेड और टेल में हम डिवाइड करते हैं और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों तरह के हो सकते हैं। लैम्डा फेज वेक्टर। जो लैम्डा फेज वेक्टर होता है ये भी आपका हेड और टेल में डिवाइड होता है। ये इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल दोनों ही पाई जाती है। और इसमें जो टेम्परेट फेज होता है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट जीनोम से और लाइसोजेमिन को पॉज करता है। ये उसकी लाइफ साइकिल है जहां पर लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों ही तरह की हमको लाइफ साइकिल दिख रही है। लाइटिक साइकिल में जो फेज डीएनए वो इंसर्ट कर रहा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में और वो मल्टीप्लाई होके डिफरेंट टाइप के असेंबल करके फेज आफ्टर जब सेल लाइसिस हो रही है तो वो फेजेस को रिलीज कर रहा है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेज डीएनए है वो इंटीग्रेट हो रहा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ और ये इंटीग्रेटेड होने के बाद प्रोफेज का फॉर्मेशन कर रहा है और उसके बाद फिर वो फेज प्रोटीन
को सिंथेसाइज कर रहा है, फेज की असेंबली कर रहा है और फिर लास्ट में लाइसिस के द्वारा रिलीज हो रहा है। लैम्डा फेज को एज ए वेक्टर हम यूज कर रहे हैं तो क्या क्या है, पहला इसमें तो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, इसकी में पैकेजिंग के लिए जो साइज है वो लिमिटेड होती है, ट्रांसफेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स का, टू स्ट्रैंड पैकेजिंग होती है और सिंगल स्ट्रैंड पैकेजिंग पाई जाती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि लैम्डा फेज को एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये लैम्डा जीनोम है जहां पर ये टारगेट जो जीन्स है उसको हमने इंसर्ट कर दिया है और उसके बाद हम इस लैम्डा जीनोम को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है N13 वेक्टर या सिंगल स्टैंडर्ड फेज वेक्टर। जो N13 वेक्टर होता है ये फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज होता है और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या जीनोम जो होता है इसका 6400 बेसिस लेंथ का होता है। ये ईकोलाई के एफ पाइलस में इन्फेक्शन करता है और 900 नैनोमीटर लंबा तथा 6 to 7 नैनोमीटर डायमीटर में होता है। दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग जेनेटिक मैप ऑफ बैक्टीरियोफेज M13। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ M13 वेक्टर। M13 वेक्टर में भी जब हम देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट करने के बाद वहां पर वो सिंथेसाइज कर रहा है और फिर आफ्टर एप्लीकेशन और जब रिप्लिकेट हो रहा है तो धीरे धीरे फिर डॉटर सेल से कंटिन्यूअस रिलीज होता जा रहा है M13 पार्टिकल्स। ये क्लोनिंग सिस्टम दिखा रहा है, यहाँ पर हमने M13 वेक्टर्स को लिया जिसको HindA3 से कट कर लिया और टारगेट GNA और दोनों को लाइगेशन के थ्रू हमने ज्वाइन कर लिया और इसको फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ फेजेस, फेज का यूज हम क्लोनिंग में करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का यूज हम प्रॉब में सिक्वेंसिंग में भी करते हैं। इसमें जो क्लोनिंग पीसेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं फॉर प्लाज्मिड के लिए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जनरेशन कर सकते हैं। कंक्लूजन ये होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए और आजकल नए नए वेक्टर्स जो हैं वो डिजाइन किए जा रहे हैं फॉर दूसरे पर्पसेस जैसे ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए। दीज आर द रेफरेंसेस।